मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस 1982 से शुरू किया था। जैसे ट्रांसपोर्ट मैंने चालू किया, एक गाड़ी से चालू किया था अपना बिजनेस। तो उसमें शुरू में जब चालू किया था, रोड बहुत ख़राब थे। एक एक दिन में गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर सफ़र तय करती थी। आज इतनी अच्छी गाड़ियाँ, इतने अच्छे रोड हो गए हैं कि एक दिन में अगर ड्राइवर चाहे तो 500 किलोमीटर गाड़ी भी पर डे चल सकती है। मैं जब भी कोई नई गाड़ी लेता हूँ, नया प्रोडक्ट लेता हूँ, तो सबसे पहले गाड़ी मतलब लेने से पहले अपने ड्राइवर जो मेरे एग्जीक्यूटिव ड्राइवर चला रहे हैं गाड़ियाँ, उनसे पूछता हूँ। और जो मोटर मालिक और भी हैं उनसे मैं सलाह लेके गाड़ी लेता हूँ। तो जिस जो सलाह वो देते हैं और जो मेरा ड्राइवर फीडबैक देता है उसमें जो अच्छी लगती है, फिर उस गाड़ी को मैं चूज़ करता हूँ। गाड़ी कितना चल सकती है उसके हिसाब से देखते हैं। तो आज की तारीख में जैसे देख रहा हूँ तो आइशर में सबसे कम मेंटेनेंस निकलता है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो वैसे यूजुअली 4 से 5 साल तक गाड़ी रखते हैं, फिर भी अगर बढ़िया चलेगी तो मैं 7-8 साल तक भी रखूँगा गाड़ी। आइशर में एक तो माइलेज ज़्यादा मिल जाता है मेरे को, और प्लस क्या है, ड्राइवर उसमें कम्फर्ट चलता है, तो उसको वो रनिंग भी उसकी ज़्यादा है। अब पहले GPS नहीं था, वो GPS आ गया। अब हर चीज़ में मेरे को सामने दिखता है कि अब मेरे को ये चाहिए। तो कंपनियाँ भी आजकल उसी तरह की हो गई हैं, कस्टमर बेस्ड कंपनियाँ हो गई हैं, जो कस्टमर को चाहिए वो मिलेगा। मेरे बेटे ने अभी 3 साल पहले ही ज्वाइन किया है मेरा बिजनेस। तो उसके बाद मैंने बिजनेस, पहले मेरे पास 100 गाड़ी थी, उसके आने के बाद मैंने 100 गाड़ी और बनाई। मेरे बेटे ने बोला, पापा अपन कार में AC नहीं था आप पहले जब मैं था जब, और AC वाली कार तो ड्राइवर के लिए क्यों नहीं। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो AC गाड़ी आई तो मुझको सबसे अच्छा लगा कि ड्राइवर भी कम्फर्ट है। आज मेरा ड्राइवर AC गाड़ी लेकर जाता है, वो पहले AC गाड़ी मांगता है। When I joined the industry, like I was thinking कि हम गाड़ी को ट्रैक कैसे करें यार, गाड़ी की जब डीजल इतना आ रहा है तो इतना क्यों आ रहा है, गाड़ी कहाँ परफॉर्मेंस कम दे रही है। लाइक आई शुड इंट्रोड्यूस टू अस आइशर लाइफ, विच अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग। आई कैन सी व्हाट्स द डीजल कंजम्पशन, हाउ द व्हीकल इज मूविंग, एट व्हाट किलोमीटर, व्हाट्स द ओडोमीटर, हाउ द ड्राइवर इज टेकिंग केयर ऑफ माई व्हीकल, इज ही परफॉर्मिंग वेल और नॉट। उसके अंदर ही पूरे मुझे व्हीकल मेंटेनेंस अलर्ट हो जाता है कि हाँ भाई मेरी गाड़ी को इतना काम कराना है। ये धीरे धीरे पूरी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बहुत हेल्पफुल हो गई हैं कि पूरी गाड़ी इलेक्ट्रॉनिक में आ गई है। आज के टाइम में पॉल्यूशन ज़्यादा होने के चक्कर में पूरा द टेम्परेचर हैज गॉन अप टू 50-55 डिग्री सेल्सियस, एंड अगर आज के टाइम पे AC रहता है ड्राइवर को, सो लाइक ही कैन ड्राइव अप टू 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा इन अ डे, विच इज़ वेरी यूजफुल अस ऑल्सो एंड फ्रॉम हिम ऑल्सो। वी आर करंटली ओनिंग अ 200+ ट्रक्स। सो मैं चाहता हूँ कि अभी जहाँ पापा ने मेरे को दिया है तो मैं उससे एक्चुअली 10 गुना ज़्यादा बड़ा तो करूँ। आई शुड वर्क पैन इंडिया ऑल्सो, लाइक अक्रॉस द इंडिया। आई शुड बिलीव लाइक मेरी जहाँ ट्रक चले तो एक साथ सारे चलने चाहिए। मतलब आई वॉन्ट कि समवेयर अराउंड मेरे 1000 से 2000 ट्रक्स हों, कि महावीर का नाम पूरे ऑल ओवर इंडिया रहे। सो आई वेरी थैंकफुल टू आइशर एंड डिफरेंट ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि मुझे काफ़ी हेल्प कर रही है टू परस्यू माई ड्रीम, टू एक्सपेंडिंग माई बिजनेस विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ गुड व्हीकल्स, विद द इम्प्रूवमेंट इन व्हीकल्स सिंस पास्ट 10 ईयर्स, विच इज़ हेल्पिंग मी एज वेल एज माई ड्राइवर, सो दैट माई ड्राइवर कुड हैव अ सेफ जर्नी। अगर वो अच्छी तरह कुछ करेगा तो उससे मेरे को भी कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा, उससे कहीं ना कहीं पूरी इकनॉमी को बेनिफिट मिलेगा।